we are going to proceed exercise 4.1. This is about the question number 3. Quality question number 4 we start. Question number 4 में लिखा हुआ right equation, यानी इस statement लिखे हुए इस statement को आपको equation में change करना है. जैसे पहला है the sum, sum करना है, इसका sum करना है के number. तो सबसे पहले क्या करेंगे क्या? Let a number, एक number हम लोग मानते हैं bx, let a number bx. कह रहा है उस नंबर का और द सम ऑफ नंबर x एंड 4 का सम कितना है 9. फिर पहला इक्वेशन हो जाएगा. इसी तरीके से बाकी इक्वेशन आपको बनाने हैं. जैसे इसमें है थर्ड वाला देखिए, लिखा हुआ 10 टाइम्स. 10 टाइम्स का मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 टाइम्स ए, 10 मल्टीप्लाई ए इस जगह इक्वल करता है इक्वल टू 20 यानी 10 के इक्वल टू 70 इसका ये इक्वेशन बन जाएगा. आते हैं इसके 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6, 6 में लिखा हुआ 7 टाइम्स n, 7 टाइम्स n यानी 7 मल्टीप्लाई n प्लस 7 प्लस करना है 7 ये गेट यू का मतलब इक्वल 77 का आंसर हो जाएगा. इसमें एक फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं. आइए फ्रैक्शन इसमें देखते हैं 7 का. लिखा हुआ 1/4 का मतलब पार्ट सिंपल 1/4 होता है. ऑफ x ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और t ऑफ t इज 15 यानी t अपॉन 4 इक्वल टू 15 ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लेंगे. अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है राइट द इक्वेशन, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी का ठीक इनवर्स लिखना है. इसमें इक्वेशन आपका लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को बदलना है इसमें स्टेटमेंट में. ठीक उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था उसी तरीके से कर लेंगे. जैसे फर्स्ट है 3 प्लस 4 इक्वल टू 15 तो लिख देंगे द सम ऑफ द नंबर p एंड 4 इक्वल टू 15. द सम ऑफ नंबर p एंड 4 गिव्स या इक्वल टू 15. इसी तरीके से थर्ड है 2m है तो आप मल्टीप्लाई मतलब आप समझ रहे हैं टाइम्स आया हुआ था तो लिखेंगे 2 टाइम्स m क्यूब 7 2 टाइम्स m क्यूब 7. इसी तरीके से बाकी जितने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 में सुनने हैं उसे आपको कंप्लीट कर लेंगे. अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है सेट अप इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस. नीचे दिए हुए केसेस में आपको क्या करना है इक्वेशन बनाना. एक हम बता रहे हैं उसके बेस पर आप इक्वेशन आप बनाएंगे. इरफान सेज दैट ही हैज सेवन मार्बल मोर देन 5 टाइम द मार्बल पर द क्लास. इसका मतलब ये हुआ कि इरफान कहता है मेरे पास 7 मार्बल और 5 टाइम्स मार्बल पर द से ज्यादा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पर द मार्बल को हम लोग क्या मानते हैं एक्स मानते हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ है. क्या मानना है एम लेट परमिट मार्बल बी एक्स परमिट मार्बल को एक्स मानते हैं. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है इरफान से दैट सेवन मार्बल मोर देन 5 टाइम का मार्बल परमिट था 5 टाइम्स परमिट्स मार्बल और प्लस क्या कह रहा है प्लस 7 मार्बल इक्वल टू 37 मार्बल. ये आपका इक्वेशन बनेगा. तो हो सकता है 5 टाइम परमिट मार्बल परमिट मार्बल को हम लोग क्या माने x हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x प्लस 7 इक्वल टू 37 यानी ये हो जाएगा 5x प्लस 7 इक्वल टू 37. ये आपका इक्वेशन हो जाएगा. इसी तरीके से आप सेकेंड और थर्ड और फोर्थ को भी बना लेंगे. अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ. Thank you.
give first the expression you will use to separate the variable and then solve the equation. पहले x minus 1 is equal to 0. कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होगा, वो स्टेप लिखना है, उसके बाद आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए ऐसे इक्वेशन में हमें करना क्या होता है, इस वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, उनको अलग करना होता है। इस वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर माइनस वन लगा हुआ, इसको क्या इसे हमें क्या करना है, हटाना है। तो माइनस वन को हटाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर जैसे माइनस वन है तो आप क्या करेंगे, अगर माइनस वन के साथ प्लस वन कर दे रहे हैं तो ये दो मात्रा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर माइनस वन है तो हमें इक्वेशन के दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, प्लस वन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे थ्री एड प्लस वन टू हो साइड, तो पहले से हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में प्लस वन करना पड़ेगा। जब दोनों साइड में हम प्लस वन करेंगे, यहाँ पर प्लस वन और जीरो में भी देते हैं, यहाँ पर भी प्लस वन किया गया है और इसमें भी प्लस वन किया गया है, तो प्लस वन करने से होगा क्या, माइनस वन और ये प्लस वन आपका कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, एक्स बचेगा और जीरो में वन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा वन। तो देख सकते हैं एक्स क्या है, एक्स एक्स की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है वन। ठीक इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन को करेंगे, जैसे बी में है माइनस प्लस वन है तो आपको करना पड़ेगा इसमें इसमें दोनों साइड माइनस वन करना पड़ेगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वन दोनों साइड, इधर भी इक्वल इधर भी इधर इक्वल की इधर। ठीक इसी तरीके से उसमें लिखेंगे बी सब्ट्रैक्ट वन टू वो साइड और इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हमारा आ जाए। ठीक है प्रोसेस बाकी के सारे क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि ऊपर दृश्य इसमें भी वही कह रहा है, क्वेश्चन हमारे सामने है बी एल इक्वल टू 42। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या स्टेप करेंगे ताकि यह जो है वो सेपरेट हो जाए। तो एल स्टेप कैसे जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई को का डिवाइड करना पड़ेगा, बी फर्स्ट डिवाइड बाय बी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में डिवाइड करते हैं, जैसे इधर भी तेरे से डिवाइड करते हैं और इधर भी तेरे से डिवाइड करते हैं, तेरे से भी कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा थ्री वन थ्री और एक आ जाएगा वन और ट्वेल्व 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 आ जाएगा फोर्टीन, एक ट्वेल्व को किया जाएगा फोर्टीन आ जाएगा। ठीक है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी में है, बी बराबर लगा दे कट जाएगा आपके सामने,
ये कितना हो चुका है। अब अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, अब थ्री को हटाना है। थ्री कैसे जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्या मल्टीप्लाई होता है डिवाइड करना है, थ्री नाम डिवाइड बाय थ्री ऑन गो साइड। अब हमें करना पड़ेगा थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, तो थ्री से डिवाइड करके हमारे सामने क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और ना थ्री सिक्स की वजह से जो बन रहा थ्री इस वजह से आ जाएगा सिक्सटीन। तो एन की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, ये एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी सिक्सटीन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से प्रोग्राम कर लेंगे, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी नीचे दिए गए क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए इसमें हम लोग एक चूज करते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं, उसी के बेस पर वापस आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे डी लेते हैं, तो डी में लिखा हुआ है टेन टी प्लस टेन इक्वल टू हंड्रेड। अब देखिए अभी जो आप क्वेश्चन किए हैं ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, P को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। P को सेपरेट करने के लिए यहाँ से इस टेन को और इस टेन को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन करने घटेगा, बताया तो जो प्लस या माइनस होगा, तो इस प्लस वाले टेन को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, माइनस में इधर भी कर देंगे और माइनस में इधर भी कर देंगे। अब ऐसे करने से होगा कि आप प्लस से माइनस में आपस में निकाल जाएंगे, कैसे आउट हो जाएंगे, हमारे सामने केवल क्या बचेगा, टेन पी बचेगा और हंड्रेड माइनस नाइन टेन करेंगे ये हो जाएगा। अब ये हमारे सामने, अब ऐसे में p के साथ 10 मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, 10 से इधर भी डिवाइड कर देंगे और 10 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, p इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके आंसर कितना आ जाएगा। ठीक इसी पैटर्न पर बाकी जितने भी क्वेश्चन बचेंगे आपको। देखिए 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला है, ए में क्या लिखा होता है, 2i प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। ये हमारे सामने क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस y को हमें सेपरेट करना है 2 और 5 को ऊपर रखना है। तो सबसे पहले 5/2 पलट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस 5/2 कर देंगे, 2y प्लस 5/2 इधर क्या करेंगे, माइनस 5/2 कर देंगे और इधर से लेकर 37/2 माइनस 5/2 इधर भी, दोनों साइड माइनस 5/2। अब यहाँ 2 प्लस 5/2 माइनस 5/2 कट जाएगा, आपको बचेगा क्या, 2y बचेगा और इधर आप सॉल्व करेंगे आपके सामने आ जाएगा 37-5। 37-5 करेंगे कितना हो जाएगा, 32/2 टू वाई की वैल्यू हो जाएगी, टू वाई की वैल्यू हो जाएगी 32/2 और टू वाई ये आपका हो जाएगा टू मल्टीप्लाई फोर क्या कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, टू को हटाना है, तो टू को हटाने के लिए क्या कर देते हैं, टू से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों साइड में इधर टू से डिवाइड
ABCD को करेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ, इसे हम ड्रॉप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, इसमें लिखा हुआ फाइव अपॉन टू एक्स इक्वल टू फाइव अपॉन फोर, ये हमारे सामने इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। फाइव अपॉन टू किस यहाँ से करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ये कैसे निकला होगा, इसे मल्टीप्लाई से निकला होगा, तो ऐसे निकालेंगे कैसे, तो पहले इसे डिवाइड कर देंगे, फाइव अपॉन टू एक्स डिवाइडेड बाय फाइव अपॉन टू इधर भी और किसी तरीके से इसके बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग इसी तरीके